वार्ड नंबर 4 में हूँ और यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा और कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे जानेंगे आने वाले उपचुनाव के बारे में, इनकी क्या राय है, क्या समस्याएं हैं यहाँ की। तो चलिए जानते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। अभी जो उपचुनाव आने वाले हैं उसके बारे में क्या विचार है आपका? चुनाव तो अभी आना तो दूर विचार तो तब बनेंगे, जैसे एन टाइम पे आकर बनते विचार को। जी जी, चाचा थोड़ी देर खड़े हो जाएंगे। तो अभी जैसे कि यहाँ पे 15 साल से विधायक थी इमरती देवी जी, तो उन्होंने आपके यहाँ कुछ विकास कराया है? नहीं, इमरती देवी ने कोई विकास नहीं कराया और ना दर्शन देवी तक नहीं आई इमरती देवी, तो किसी तरह का कोई कार्य नहीं कराया, कोई कार्य नहीं कराया। अच्छा, इमरती देवी जी ने जैसे पार्टी चेंज करी थी, कांग्रेस से बीजेपी में चली गई थी, तो आपको क्या लगता है उन्होंने ये सही किया या गलत किया? साहब सही गलत तो आजकल तो नेता ही जाना बेई जानता है सही गलत, अब जनता कहाँ जाना का सही गलत कहाँ है। आप लोगों को गांव में किस तरह की समस्याएं आती हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? साहब हम तो गांव में बच जाइए, बिजली है, बिजली का बिल जाना आ रहा है, गरीबों के लिए वो मिले। अच्छा, अभी काफी सारे वार्ड में गए, काफी सारी ग्राम पंचायत में गए, वहाँ से होके आए, तो एक नाम सुनने में आया है, कोई कांग्रेस पार्टी के कमल सिंह राजे जी हैं, वो खड़े हो रहे हैं इस बार, तो क्या लगता है वो इमरती देवी को टक्कर दे पाएंगे? देखो साहब, कमल राजे तो साहब बाहर का व्यक्ति तो यहाँ कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। जी, जो बाहर से आएगा वो टक्कर नहीं देगा, जो लोकल होगा। नहीं, सुनने में आया कि वो बामोर से हैं और 3 बार वहाँ पर रहे हैं, पार्षद जहाँ हो ही रहे हैं। बिल्कुल, या तो साहब देखो लोकल लोकल प्रत्याशी को पसंद करेंगे। बिल्कुल, अगर भारत का, अगर कांग्रेस का, अगर लोकल चाहे कोई पार्टी का, उसको पसंद करेगा आदमी। अच्छा, यहाँ पे अभी तक के कोई दौरे पे आया है कांग्रेस या बीजेपी का? अभी साहब जानना तो बीजेपी का कोई आया है और ना कांग्रेस। आप किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी? आप देखो, हम तो आम पब्लिक हैं, जो अच्छा काम करता है हम तो ताय सपोर्ट करते हैं। आप जो है अभी किस तरह की सरकार चाहते हैं, टिकाऊ होनी चाहिए या टिकाऊ होनी चाहिए? सरकारें तो सभी बिकाऊ सभी टिकाऊ होते हैं, नेता सरकार नहीं होती, जो नेता होते हैं वो बिकाऊ भी होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। तो देखो जी, सही बात बोली आपने। तो चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ एक युवा भाई भी हैं, क्या नाम है आपका? गौतम सिंह जी, अभी आने वाले उपचुनाव के बारे में आपका क्या विचार है? अभी तो कुछ पता नहीं, चुनाव आने दो, जब विचार बनेगा किसको वोट जाएगा। प्रत्याशी भी तो आ रहे हैं। अच्छा, आप इस बार किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखो, जो अच्छा काम करेगा उसी को सपोर्ट होगा। किस तरह का विकास चाहते हैं आप अपने गाँव में? तो गली में कुछ भी अच्छा काम हो, और जो गरीबों को कोई गरीबी नहीं मिलती, कुछ हो, कोई लाभ। क्या क्या समस्याएं आती हैं यहाँ? हर चीज की समस्या है, ऐसे पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी से कमल सिंह राजे जी खड़े हो रहे हैं, ये इनको टक्कर दे पाएंगे इमरती देवी? अभी कुछ पता नहीं, टक्कर आप किस तरह की सरकार पसंद करते हैं? दोनों तरह की सरकार है, कांग्रेस को ही चाह रहे हैं। अच्छा, युवाओं के हिसाब से यहाँ पे किस चीज की कमी है, क्या चीजें होनी चाहिए? तो अच्छी रोजगार होना चाहिए यहाँ पर, रोजगार नहीं है एक तो यहाँ पर, अभी तक जो है रोजगार से हर मजदूर परेशान है, एक तो लॉकडाउन लग गया उसकी वजह से और जाना मजदूर परेशान। हमने जब तक के लिए।